देख रहे थे कि कैसे ये नक्सलवाद के विषय पर हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए, इस पर अब तक के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, और ये सारी प्रतिक्रिया इस देश के उस आम आदमी की है जो कभी नक्सलवाद का समर्थक हुआ करता था, लेकिन नक्सलवाद के बदलते स्वरूप ने सरकार को तो शायद मतदान की, वोटरों की आशा जगाई, लेकिन आम आदमी की आशा इस आंदोलन से टूट गई है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर जी, बोलिए। मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने देश का ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के कुछ सरकारी दफ्तर के अंदर उसको नौकरी दिलाऊं। लेकिन अब ये सपना पूरा नहीं हो सकता कि देश के अंदर माँ बाप क्या करेंगे, नौजवान का भविष्य बिगड़ जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं, वो करेंगे चलो कोई आतंकवादी के अंदर घुस जाए या नक्सली के अंदर घुस जाए, सरकार अपने आप हमको नौकरी दे देगी, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। और जब भी कोई माओवादी है, कश्मीरी माओवादी है, सभी ऐसे लोग जब कभी कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं तो हमारी सरकार नरम रवैया इख्तियार करके उनके सामने झुक जाती है। ये इस तरीके से अगर रहा तो देश का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा सर। बस यही कहना था सर, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, जी आवाज आ रही है जी आपको? आप बोलिए। ठीक है, जब आप मुझे कनेक्ट करें बता देना। हेलो, हाँ बोलिए जी। नमस्कार जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप जो भी टॉपिक ढूंढते हैं वो काफी करंट होते हैं और ऐसे टॉपिक हमें और न्यूज चैनल में नहीं मिलते। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो गृह मंत्री है हमारे, मुझे कभी नहीं लगता कि हिंदुस्तान को कहीं की रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इस सबसे पहले इन्होंने आज आरक्षण दिया, वैसे ही कश्मीर में मिलिटेंट्स को आरक्षण देने वाले वहां नौकरियां दे रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारत में इतना नौजवान है जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है, जिनको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, तो ऐसे जो इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो मैं सब आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शनों में इस यूपीए 2 को जड़ से निकाल के बाहर फेंके, और हमारे पास एक शब्द है, वो है मोदी जी। नमस्कार, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सुदर्शन न्यूज। हाँ सुदर्शन न्यूज से बात करो। हाँ सर, वो सरकार जो हेलो हाँ जी बोलते रहिए आप। हाँ, अलगाववाद और आतंकवाद में जो सरकार की जो नीतियाँ बता रही है ना सर, सरकार लंबे समय तक जो एक ही पार्टी ने शासन किया और लंबे समय से इनकी जो नीतियाँ चली आ रही है, देश को कहाँ लेके जाएगी? अगर ये हाल रहा तो देश के लोगों का जो आम जम जीना है वो समाप्त हो जाएगा और लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा ऐसी स्थिति रही तो। बिल्कुल, यहाँ पे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि कम से कम सरकार के दिलो दिमाग आएगा कि नीतियों के अंदर फेर बदल करके जो राष्ट्र नीति है वो लागू करे। बिल्कुल, धन्यवाद। लाइन पर दूसरे भी कॉलर शायद एक साथ जुड़ गए हैं, लगता है कि सरकार की तरह या सरकारी दलों की तरह हमारे यहाँ पर भी लाइन में क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। दो दो कॉलर एक साथ लाइन पर बोल रहे हैं। अगर दूसरे व्यक्ति लाइन पर है तो अपनी बात को कहे, अन्यथा हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, उनकी राय सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एमएमएस देखते हैं। तो सरकार का गलत है, अगर तो गरीब पे भी ध्यान देना चाहिए, अगर नक्सली है उसको निपटाओ ना जिस तरह से निपटाना है, लेकिन ये तो गलत है ना। फिर नक्सली को बढ़ावा दे रहा है, उसका काम छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा वो उसको। एक और एमएमएस है, उसको भी देख लेते हैं। कई एमएमएस आ जाए हैं, हम एक एक करके आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सरकार का सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, वो कुछ नहीं, मतलब उन्हें गुमराह करना चाहते हैं, उनकी जितनी भी जमीन है जायदाद सब हड़पना चाहते हैं, उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। बस सरकार का ये, चूंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये सब किया जा रहा है, और कोई रीजन नहीं है। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, क्या आम आदमी से लेके खास आदमी इस विषय पर अब क्या प्रतिक्रिया देने लगा। हमारे साथ वीडियो कॉलर जुड़े हुए, हम उनके पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इन दिनों में केंद्र सरकार एक नीति बनाने जा रही है
जिसमें नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पैसों का लोभ दे रहे हैं, जिससे जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो जितना बड़ा नक्सली है उसे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मेरे विचार से यह नीति नक्सलियों के हौसले को बढ़ाने वाली होगी और इसके साथ साथ अन्य युवाओं को भी पथ भ्रमित करने वाली होगी, जो कि देश हित के लिए अनुकूल नहीं है। इसका सबसे बड़ा समाधान ये है सर, सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ सख्त सख्त कदम उठाने चाहिए और जो हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसे आधुनिक शस्त्रों के द्वारा मजबूत बनाना होगा और अधिकार होना चाहिए। अब तक देखा गया है कि जब जब भी ऐसी कोई उदार नीति सरकार ने नक्सलवादियों के लिए लाई है, अपने तरफ से सीज़फ़ायर किया है, तो नक्सलवादियों ने उसका फायदा अपने संगठन को मजबूत करने, अपने शस्त्रास्त्र का साठा बढ़ाने और अपनी ताकत को धार को और तेज करने में किया है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार के सीज़फ़ायर के साथ नक्सलवादियों ने भी सीज़फ़ायर किया, लेकिन सरकार अपने तरफ से एक तरफा सीज़फ़ायर कर रही है, शांति की अपेक्षा कर रही है, लेकिन इस विषय पर नक्सलवाद के तरफ से गोली के रूप में ही जवाब मिलता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सर ये नक्सली जो भी बढ़ रही है वो गवर्नमेंट ही तो बढ़ा रही है, सरकार से ही तो बढ़ रहे हैं ये सब। क्या है कि ये सरकार अगर ध्यान नहीं देगी गरीबों पे, दलितों पे, जो भी मान लो पढ़े लिखे लड़कों पे, तो गलत रखते जाएंगे सर। तो इसमें सरकार जिम्मेदार है, ये मान लो नक्सलेट जितने भी बढ़ रहे हैं, जितने भी ये मान लो नक्सलवादी बन रहे हैं, तो सरकार की वजह से ही बन रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अहमदाबाद से। धन्यवाद। अब जैसे अहमदाबाद से कॉलर थे, आपको जानकर बड़ी मतलब हैरतअंगेज बात है कि देश के महानगरों में अब नक्सलवादियों ने अपने पैर फंसाना शुरू कर दी है। भारत के जो जो बड़े शहर हैं उन शहरों में उन्होंने अपने साइलेंट सेल बनाए हैं, वहां से उस शस्त्र साठा से लेकर नई नई जानकारियों से लेकर आधुनिक हथियारों से लेकर अपने इस आंदोलन को पैसे की आपूर्ति भी ऐसे बड़े शहरों से की जाती है और उसमें नोएडा, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे ऐसे कई शहर है जिसका अहम रोल है। कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर के सिवा एक और आपको फेसबुक पर आई हुई पोस्ट भी दिखाते हैं कि आप भी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा आपकी पोस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रदीप देव एक अपनी पोस्ट स्क्रीन पर यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने कुछ प्रमुख पोस्ट यहाँ पर स्क्रीन पर लाई है। हमारे फेसबुक अकाउंट सुदर्शन न्यूज पर जाके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसमें से जानकारी देने वाली या कुछ अच्छी प्रतिक्रियाओं को, चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम यहाँ पर स्क्रीन पर टाइप करके आपके सामने लेके आते हैं। ये रजनी श्रीवास्तव, चलिए ये स्क्रीन पर चलती रहेगी, जैसे जैसे हम आपस में बात करेंगे एमएमएस आपको दिखाते हैं क्या कहता है। तो वो तो और उल्टा ही काम करेंगे, अभी तक जो भी मर्डर करते हैं, खूनी करते हैं, किसी की किडनैप करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है। अगर सरकार इनको सपोर्ट कर रही है बिल्कुल गलत है, उनको तो इसकी बजाय उनको सजा देनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और उनकी जो है बेल भी नहीं होनी चाहिए। कहते हम नक्सलवादियों की शहरों में पैर पसारने की और अपने साइलेंट सेल बनाने की बात कर रहे थे। आपको जानकर और ताज्जुब होगा कि इन्होंने देश के कुछ यूनिवर्सिटियों में जो विश्वविद्यालय है वहाँ के युवाओं में भी बहुत बड़े पैमाने पर पैर बिठाई है, उनकी हॉस्टल्स है या उनके अलग अलग प्रकार के जो मंच है वहाँ पर अपनी इतनी पैर बिठाई है कि नक्सलवाद के समर्थन में कॉलेज कैंपस से, यूनिवर्सिटी के कैंपस से कई समर्थक युवा कॉलेज के बाद नक्सल आंदोलन के समर्थन में उतरते हैं और उसके कारण इस आंदोलन में नई भर्ती होती रहती है। ऐसे में सरकार का अगर ये जो नया ऑफर आया है, ये बच्चों को वैसे भी जॉब नहीं मिलता, इसलिए जॉब नहीं मिलता तो किसी कंपनी में भर्ती होकर पैसे कमाने के बजाय नक्सलवाद के इस आंदोलन में भर्ती होकर सरकार से पैसा मिल सकता है। अगले कॉलर के पास जो ओवैसी का केस हुआ, बोलिए क्या कहेंगे? बारे में क्या हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ? वेस्ट इंडीज से बोल रहा हूँ। हाँ? यहाँ के लोग को बहुत इंतजार है वो क्या होता है। धन्यवाद। आज कुछ तकनीकी कमी मुझे लगता है कि
यहाँ के नोएडा के जो MTNL लाइन्स है उनमें हैं, जिस कारण से हम कॉलर को सही रूप से सही जो कि जैसे कि हमेशा हैंडल करते हैं वैसे करने में कुछ हमारे कंट्रोल रूम में दिक्कत आ रही है। आप हमारे बाकी नंबरों पर भी फ़ोन कर सकते हैं जिससे कि MTNL लाइन की दिक्कतें बाकी लाइनों में नहीं है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे। नक्सली समस्या और विकराल हो जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि नक्सलियों को पैसा और नौकरी दी जा रही है, तो लोग लालच में नक्सली बनने लगेंगे। आदिवासी आम धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। जो आदिवासी सदियों से एकांत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन तक आज भी विकास की लहर नहीं पहुंच पाई है। आज जरूरत है आदिवासियों के विकास की। भारत का लोकतंत्र कमजोर होगा। नक्सली वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, इसी वजह से ये आज भी भारत के कई जिलों में समानांतर सरकार चाहते हैं। जब आने वाले वक्त में नक्सल समस्या और बढ़ेगी तो ऐसे में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर ही होगी। देश के दूर दराज वाले आदिवासी इलाकों का विकास नहीं हो पाएगा। जिस जगह और जिन लोगों को पैसे और नौकरी की जरूरत है, उनकी बजाय जब नक्सलियों को पैसा और नौकरी दी जाएगी तो कैसे आदिवासी इलाकों का विकास होगा। आदिवासी युवक युवतियां बहक जाएंगे। जब युवाओं को लगेगा कि पढ़ने लिखने के बजाय नक्सली बनने से नौकरी और पैसा दोनों मिलते हैं, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि युवक युवतियां पढ़ना चाहेंगे या फिर नक्सल बनना। भारत में नक्सलियों की समानांतर सरकार शुरू हो जाएगी। अभी तो देश के लगभग 35 जिलों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ जाएगी। नक्सलियों की इन समानांतर सरकारों की संख्या इतनी बड़े पैमाने पर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहने के लिए तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आधे से ज्यादा राज्य पर उनका आदेश चलता ही नहीं, वहां पर नक्सलियों का आदेश चलता है और वो जैसा कहते हैं वैसे होता है। कुछ जगह पर नक्सलियों के विषय में राज्य सरकारों की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध है। बिहार में भी केंद्र के जो वहां पर सैनिक थे उनके बारे में समन्वय के बारे में बिहार के पुलिस प्रशासन ने सरकार के साथ जिस बेरुखी से व्यवहार किया, उन्होंने वहां से अपने सैनिकों को हटा लिया है। ऐसा कई राज्यों में है कि वहां पर जब स्थानीय चुनाव होते हैं तो नक्सलियों को, वैसे तो नक्सली इस पूरे व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन नक्सली तब ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब राजनीतिक माहौल गर्म होता है, जब चुनाव होते हैं। कई बार तो जो वहां पर बटालियन रखी गई है या स्थानिक नेता है, ये मिलकर नक्सलियों के साथ साठगांठ करते हैं और किस क्षेत्र का वोट होना चाहिए, किस क्षेत्र का नहीं होना चाहिए, किस क्षेत्र का वोट किसके फेवर में होना चाहिए, इसकी रणनीति भी नक्सलियों के नेताओं के साथ शेयर की जाती है, साझा की जाती है। ऐसे नेता जब सत्ता में आते हैं या सत्ता को समर्थन देते हैं, तब वो नक्सलियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के, नक्सल को खत्म करने के किसी भी प्रकार के बड़े अभियान को अंजाम नहीं देने देते। अगर कभी किसी कारण से कहीं पर केंद्र सरकार भी करना चाहती है तो वहां पर राज्य के, जिले के या लोकल नेता या कुछ अफसर इनके साथ मिलकर इसको, इस आंदोलन को रोकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं पलामू से बोल रहा हूँ सर। हाँ। विकास बोल के समस्त दर्शकों को मेरा, देश के लिए मेरा जय हिंद। हाँ। प्रशासन द्वारा होने वाला अन्याय, अत्याचार, शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से नक्सलाइट संगठन कार्य करता है, परंतु इस उद्देश्य की आड़ में सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य लेकर संगठन कार्य कर रहा है, जो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे घिनौने कार्य तेज गति से जारी है। यदि यह संगठन 100 पैसा मुख्य देश का अनुशासन अनुसरण करे तो हमारा देश भी बहुत आगे निकल जाएगा। भ्रष्ट पार्टियों का समर्थन नहीं देने का कष्ट करें, भारत स्वाभिमान को पूर्ण समर्थन करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात हमारे कॉलर ने कम शब्दों में और सीधे स्टार्ट टू एंड कही है। हम कॉलर को कहेंगे कि जब आप टीवी चैनल पर कॉल करते हैं तो ऐसे ही तैयारी के साथ कॉल करें, तो आपकी बात इस विषय को आगे बढ़ाने में ज्यादा सहयोगी साबित होगी।
और भी कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात अगर कॉल के द्वारा रखने में असमर्थ है, किसी कारणों से यहाँ पर आपकी बात नहीं रख सकते, तो आप MMS कर सकते हैं, आप फेसबुक पर जाकर आपकी पोस्ट कर सकते हैं। आप हमारा न्यूज पोर्टल sudarshannews.com पर इस कार्यक्रम को देखते हुए उसके ऊपर भी चैट कर सकते हैं, जिसके कुछ अच्छे संदेश हम अपने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाते भी हैं। कुछ MMS हमारे पास और भी आए हैं, उनके पास चलते हैं। तो डालना ही चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं आज के डेट में, जो पढ़े लिखे हैं आज के डेट उसमें उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, और जो नहीं पढ़े लिखे हुए उनको नौकरी दे रही है। हम तो खुद कलकत्ता से आकर जॉब खोजे, हमें नहीं मिल रही है। हम भी क्या नक्सली बन जाए तो हमें भी जॉब मिलेगी? क्या जरूरी है हमें नक्सली बन जाना चाहिए? जो बात अभी तक हम यहाँ पर कर रहे थे, देखिए ये स्क्रीन पर एक दर्शक ने अपनी बात को कहा है। लोगों को ये प्रलोभन लग सकता है, लोगों को ये उसकावा लग सकता है, लोगों को इसके पीछे कोई साजिश लग सकती है, या वोटों की राजनीति भी। ये इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो देश के हित में है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इस नीति का अवलंबन किया जा रहा है। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। हाँ, आज भारत में नक्सल की समस्या सबसे गंभीर हो चुकी है। हाँ। और यह लोग नक्सलवादी जो है कश्मीरी आतंकवादियों से लेकर चीन तक, और तथा इनका पाकिस्तान के लश्कर तोयबा से सबसे संबंध है। आज इनके जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वह भारत को विखंडित करना चाह रहे हैं। और हेलो, बोलते रहिए। आज ये भारत को विखंडित करना चाह रहे हैं, और इसकी इसके बारे में IB का सारा रिपोर्ट इन नेताओं के पास रखा हुआ है। ये लोग जानते हैं कि ये लोग किन लोगों से मिल रहे हैं, और इनको हथियार और धन मुहैया कहाँ से हो रहा है। धन्यवाद। इनको धन कहाँ से मुहैया हो रहा है? आप जानते हैं कि ये आम आदमी की, खास करके आदिवासियों की बात करते हैं, तो उनके पास करोड़ों रुपए आते कहाँ से हैं? ये आते वहाँ से हैं जहाँ से लोगों को एक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनती है कि किसी देश को अगर आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको स्टेबल करना है, उसको पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, असुरक्षितता का माहौल बनाना है, तो ऐसे अलगाववादी ताकतें जो आंदोलन चलते हैं उनको वहाँ पर धन मुहैया किया जाता है, शस्त्र मुहैया किया जाता है, उनको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो ह्यूमन राइट का काम करने वाली NGOs है उनका कवर दिया जाता है। और आपको पता है कि भारत के कई मीडिया वाले ऐसे हैं जो नक्सलवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनके ऊपर भी आरोप है कि ऊपर से विदेश से उनको पैसा आता है, उनके लिए स्पेशल एडिशन निकाला जाता है, उनके फेवर में कई कार्यक्रम किए जाते हैं। कुल मिला के यहाँ इन लोगों को रॉबिन हुड जैसा या दलित पिछड़े और आदिवासियों के हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करने का काम भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को महिमामंडित करना इस देश के खिलाफ लड़ने वालों को हीरो बनाने जैसा है। अगले कॉलर के पास चलते। नमस्कार। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या कहेंगे? हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम दीनदयाल कौड़ा है। हाँ। मैं USA में रहता हूँ। अभी हाँ। अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था सुदर्शन TV पे। हाँ। नक्सलवाद के लिए। हाँ। नक्सलवाद के लिए सबसे बड़ा जो उसका कर्ता धरता है वो चाइना है। चाइना के ऊपर विश्वास करना तो ऐसा है अपने आप पे विश्वास ना करने के बराबर होगा, क्योंकि ये जब से ये चाइना से हमारे रिलेशन को 1962 में भी आपने देखा ही होगा कि ये हिंदो चीनी भाई भाई करके आते हैं और हमारे ऊपर अटैक करते हैं, और ये नक्सलवाद उनकी पैदाइश है। उनके ऊपर यकीन करना या उनको संरक्षण देना या उनके रियायत करना या उनको पैसे से मदद करना ये बिल्कुल गलत है। इनको तो क्रश करना चाहिए। अगर आपने सेफ रहना है तो नक्सलवाद को खत्म कर देना चाहिए, नक्सलवाद को नामो निशान मिटा देना चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस का जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं वो तो नाम के ही वो राजा है, लेकिन काम वो उनका चाइना का ISIS का करते हैं, उनके पीछे भी राज है। उनका सारा काम जो करने वाला, पैसा बाहर भेजने वाला काम IS के पास है, तो ये लोग उनसे डरते हैं इसीलिए उनका नाम नहीं लेते। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने देखा कि दूर विदेश में अमेरिका में बैठे हुए भारतीय कितने चिंतित है भारत में हो रहे ऐसे घटनाओं के ऊपर। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप?
सर राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से। हाँ, कांग्रेस सरकार की इच्छा शक्ति में बहुत कमी है। या वोट बैंक के लिए नक्सलियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, अलगाववादी संगठनों को, यमुनी सरकार संरक्षण नहीं दे रही है। सरकार गरीबी बेरोजगारी को दूर करे तो शायद नक्सली पैदा ही ना हो। आज 400 हिंदू पाकिस्तान से भारत में आकर शरणार्थी बनकर घुट घुट कर जी रहे हैं। सरकार उनके पुनर्वास के लिए कहां तक गंभीर है। वंदे मातरम। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, बोलिए। चंद्रभूषण शर्मा बात कर रहा हूँ ऋषिकेश से। हेलो, चंद्रभूषण शर्मा बात कर रहा हूँ ऋषिकेश से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो कांग्रेस की सरकार है हमारी, एक तो ये सारी अंग्रेजों की मान्यताओं के हिसाब से देश को चलाना चाहती है, और अंग्रेजों की मान्यताएं ये है कि हमारा देश दिन ब दिन गड्ढे में जाता रहे। हेलो। और जैसे ओसामा बिन लादेन को CIA ने बनाया था रूस के टाइम पे, वैसे ही नक्सली हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। बड़े से बड़े आतंकवादी भी देश में ये पैदा करना चाहते हैं, और ये आतंकवादियों के बल पे ही राज करना चाहते हैं देश पे, और देशभक्त तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस का। धन्यवाद। तो वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। सूर्य जी प्रणाम। मैं राजकुम बोल रहा हूँ हरिद्वार से। नक्सलवाद की समस्या जिस तरह से हमारे देश के अंदर बढ़ रही है, सरकार में अभी चुनाव आने वाले हैं और लोगों का ध्यान मुद्दे से हटाने के लिए, क्योंकि अभी हाल में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री कोयले घोटाले में सम्मिलित हैं। ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने ऐसा मुद्दा उछाला है इस समय पर। हमें लोगों को बहकना नहीं चाहिए सरकार के विचार में, और देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। इस तरह की स्कीम चलाकर आप लोगों को नक्सलवाद बनाना, आतंकवादी बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए और इस UPA सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। पीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से। हाँ, इस मुद्दे पर आज देश में लोगों को हिंसात्मक प्रवृत्ति बन गई है, ऐसा मेरी सोच है। हाँ, लोक शक्ति प्रदर्शन को बेहतर मानकर चल रहे हैं। अंबेडकर जी ने ऐसी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने एक ही समय में 3-3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की, विश्व में अपना नाम रोशन किया। आज स्थिति विपरीत है, लोग पैसों के खातिर नक्सली बन रहे हैं। सरकार को परवाह नहीं, सरकार पहले आवाम को तवज्जो नहीं दे रही। अनाज सड़ रहा है 65 पैसे की दर से, शराब के कारखानों को बेचा जा रहा है। मैं एक दो लाइनें कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। खून जो बहाते हैं सरहदों पर, हम रोज उनसे निकली बद्दुआओं को कभी सुनना, हमने कभी सुनना नहीं सीखा। होश में आओ प्यारे सभी नेताओं, हुक्मरानों, नक्सलियों, कसम तुम्हें अपने रब की, क्यों तुमने अमन से नहीं रहना सीखा। हो के आजाद, छोड़ के अपने लालच, तुमने आम लाभों, लोगों की खुशहाली तरक्की के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। धन्यवाद। अगले कॉलर के बाद चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। बोलिए सर। मैं मोतीलाल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बहुत दो महीने से न्यूज देख रहा हूँ। हाँ, आपका चैनल बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप ऐसा बताते रहो, हमारा दिल खुश होता रहता है। लेकिन ट्राई करते लगते नहीं आपका फोन। चलिए, देश भर के लोग कॉल करते हैं तो फोन लगना थोड़ा मुश्किल होता है। आप तो देखते हैं कि विदेश से भी कई कॉल आते हैं, लेकिन जो बात आपने कही कि दिल खुश होता है, लेकिन दिल खुश होने के बाद इस दिल ने आपके हाथ को और आपके दिमाग को भी इस देश के लिए कुछ करने के लिए कहना चाहिए। मैं आपका दो महीने से चैनल देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है सर। बताए तो मेरे को, सोच रहा हूँ कि मेरे गर्व है हिंदुस्तान पे आपके जैसा लोग है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपको ये मौका है, देश के तमाम विषयों के लिए हम आपके सामने ये मौका लेकर आते हैं, अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, या अवसर लेकर आते हैं कि देशवासी अपने मुद्दों को, अपने देश के जुड़े हुए अन्य मुद्दों को आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये देश सुने, विदेश सुने, दर्शक सुने, समझे। अगले कॉलर। नमस्कार।
हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। हाँ पवन कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ, कठुआ जम्मू कश्मीर से। बोलिए पवन जी। ये जो नक्सलिज्म जो है ना जी, हाँ, ये भारत सरकार की गलतियों से हुआ है ये सारा। जे ये जो नक्सलवाद है, सरकार के अंदर इसके समर्थक बैठे हैं जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग, तो फिर इसको खत्म कैसे होगा? तो मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि जैसे दुनिया के अंदर अमेरिका जो है वो मदर ऑफ नक्सलिज्म, मतलब मदर ऑफ टेररिज्म है, ऐसे जो कांग्रेस है ये भारत के अंदर मदर ऑफ टेररिज्म है। हाँ। चाहे वो पंजाब का आतंकवाद है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो लिटिल थे या वो नक्सलिज्म है, ये सारी कांग्रेस की देन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस नक्सलिज्म को अगर खत्म करना है तो पहले इस देश से कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा, जो अंग्रेजों की वंशज है, जो इस देश को डिवाइड करना चाहती है, डिवाइड एंड रूल करके इस देश को बर्बाद करना चाहती है। तो इसलिए मेरा निवेदन सब देश से यह है कि नक्सलिज्म को खत्म करने से पहले इस कांग्रेस को खत्म किया जाए इस देश से। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर केवल कांग्रेस समर्थन करती है नक्सलवाद का, ऐसा नहीं। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से तो नहीं किया, लेकिन कई राजनीतिक दल है जो खुलेआम ऐसे नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ, एक तरफ लोकतंत्र का विरोध करते हैं, इस व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल बनाकर इसी व्यवस्था से फायदा उठाकर सत्ता में भी आते हैं। ऐसा दोगलापन लोगों के सामने आना चाहिए। हम यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाली।